हेलो। हाँ, ज्वाइन कर दिए क्या? हाँ सर। हाँ सर, मेरे को दूसरा याद आ गया, स्केल। सर, स्केल दूसरा याद आ गया? कोई बात मेजरिंग नहीं, के याद लिए आ गया कब तुम्हें। टर्मिनल। हाँ जल्दी जल्दी आंसर देते हो, गलत कर लेते हो तुम अपना। हाँ सर, वहां भी तो सही था ना, स्केल तो सही क्या ना क्या सर। सही था बताओ। नहीं, वहां पे सर कोई से भी जगह अपन को सर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, अगर वो सर चीज अगर एक्सपांड हो जाएगी तो वॉल्यूम कम, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर अंदर घट जाएगा ना सर। वॉल्यूम वॉल्यूम कहाँ से आ गया भाई? प्रेशर कहाँ से आ गया यहाँ पे? एक वो सॉलिड रॉड है, उसमें प्रेशर कहाँ से आ गया? नहीं, रॉड नहीं सर, कंटेनर टाइप की चीज को मान रहा था ना मैं। कंटेनर में भी तो एक्सपांशन हो गए ना सर थर्मल। एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा, तो स्केल तो सही है सर। स्केल सही है। सिस्टम क्या है यहाँ पे जो कंटेनर में बोल रहे थे? सिस्टम कौन है, अंदर जो रखा हुआ है वो या फिर? कंटेनर में सर सिस्टम तो अंदर की कोई, मतलब अंदर जो भी गैस वगैरह कुछ है। गैस किसका देख रहे हो, गैस का या फिर उसके वॉल का? चलो क्या? ठीक है, इसको छोड़ो अभी। ये हाँ स्केल सही सर। है ना? स्केल स्केल नहीं, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो मेटालिक है, जो मतलब थर्मल एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है, तो उसका अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। चेंज इन लेंथ या चेंज इन कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए उसमें। सही बात है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन हो गया तो उससे जो भी चीज मेजर करोगे उसमें एरर आएगा। यस सर। उसमें एरर आएगा तो उससे की गई डिजाइन, सारी डिजाइन फेल हो जाएंगी। अगर डिजाइन फेल हो गई तो कितने सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? मैं बहुत थोड़ा मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में जाके बता रहा हूँ कि अगर स्केल में अगर थोड़ा भी एरर आया, अगर छोटा भी हो गया बड़ा भी हो गया, तो उससे जो स्केल ही नहीं, कई सारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेटल से बनती हैं, तो अगर वो हाई टेम्परेचर पे काम कर रही है और उसका लेंथ बढ़ गया, तो जो उससे मेजर करोगे वो पूरा गलत बताएगा। और उससे उससे जो भी डिजाइन करोगे, जो भी फैब्रिकेट करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, वो सब डायमेंशन गलत हो जाएंगे। अगर डायमेंशंस गलत होंगी तो वो कैसे बता सकते हो कि वो सेफ होगा? वो सेफ नहीं होगा वो, ठीक है? तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, मशीन का फेलियर हो सकता है। तो इसके लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके जो मटेरियल होते हैं उसको बोलते हैं, वो मटेरियल मोस्टली यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं इनवार, इनवार स्टील। इसका थर्टी अल्फा सिक्स लगभग होता है परसेंट 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कम चेंज करता है उसकी लेंथ को, बहुत ही कम, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर राइज होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा टी से बहुत ही कम आएगा, 0.00000 सपोज समथिंग 1 के आसपास आया ऐसा। तो ये तो ऑलमोस्ट 0 है, तो उसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा बहुत ही कम आएगा, ठीक है? आएगा लेकिन बहुत ही कम आएगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा, उसको कंसिडर कर लिया जाता है ये कैलकुलेट करने के बाद कि इतना चेंज लेंथ हुआ है तो एरर इतना आएगा मेजर करने के बाद उस स्केल से। स्केल की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग कि सर, सर ये और कहाँ पे यूज आता है इनवार, मतलब इनवार जैसे मेजरिंग एक तो इंस्ट्रूमेंट में, उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अलावा और दूसरी जगह कहीं? इसके अलावा अभी तुम सोचो जरा, टेम्परेचर राइज करने पे कि कहाँ पे राइज करने पे उसका डायमेंशन चेंज होना बहुत ही मतलब एक्सीडेंटल बोल सकते हो, एक्सीडेंटल हो सकता है वो, बताइए। ऐसे ही जैसे हम लोग पढ़ते सर हैं कि कोरोजन नहीं होना जैसे चाहिए। जैसे वो थर्मल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, तो अगर उनका टेम्परेचर राइज होने पे उनकी लेंथ बढ़ गई या फिर कम होने पे लेंथ देखो, घट गई, बढ़ने तो से कोई सर दिक्कत वहां नहीं है पे ना, वहां बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा है। हर एक मटेरियल एक इलास्टिक मटेरियल भी है, हर एक मेटल एक इलास्टिक मेटल है, उसका अगर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो वो हाँ उससे कुछ दिक्कत नहीं है, वो इंक्रीज कर गया वो वापस आ जाएगा जब टेम्परेचर कम होगा तो, ठीक है? इलास्टिक बॉडी है, ठीक टूटेगा नहीं, ये आपको कैलकुलेटेड है कि प्रेशर उसका डबल हो जाएगा तब जाके वो फ्रैक्चर होगा, तो उतना प्रेशर नहीं होगा कि फ्रैक्चर हो जाए। एक्सपेंशन की वजह से फ्रैक्चर होना जरूरी थोड़ी ना, एक्सपेंशन की वजह से दिक्कत कहाँ पे आएगी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में,
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो उसका डायमेंशन पहले से बढ़ गया है, अब उससे जो मेजर करोगे वो गलत बताएगा, वो वापस रूम टेम्परेचर पर आओगे तो उसका लेंथ फिर से सही हो जाएगा उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन हाई टेम्परेचर पर तो गलत बताएगा ना, क्योंकि उसका खुद का लेंथ बदल गया। वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए वैसा ही हो जाएगा, जब रूम टेम्परेचर पे आओगे तो फिर वापस इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वापस उसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। जल्दी से अटेंडेंस दीजिए आप लोग, और यहाँ पे देखिए जरा क्लास वर्क, हम क्लास वर्क दिखा रहे हैं सबको, अभी इग्नोर कर रहे हो, मैं भी इग्नोर करना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन आप लोग कर नहीं रहे हैं। एले वन असाइनमेंट वन, उसमें 6 लोग बचे हुए हैं। अभिषेक जोशी, आशीष मीना, दोनों आशीष मीना, ललित शर्मा, ललित शर्मा है क्या? यस सर। हाँ ललित शर्मा, पहला असाइनमेंट नहीं दियो, देखो दिख रहा है? यस सर। राघवेंद्र पांडे, सर पहला ही नहीं हुआ था, बाकी सब हुआ कि नहीं होगा? ये फालतू के असाइनमेंट नहीं है, रेगुलर क्लास के असाइनमेंट है, जो क्लास के नोट्स अगर बना लियो तो ये असाइनमेंट हो जाना चाहिए। असाइनमेंट टू, इसमें भी 19 है, 6 वही है शायद। बलराम मीना, अभिषेक जोशी, आशीष मीना, दोनों बलराम मीना, इसमें नया आ गया बलराम मीना। अभी ये देखिए, अभी उसके बाद होमवर्क, इन 9 लोगों ने दिया है सिर्फ सोल्यूशन इसका, जो करा दिया था वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप लोग। बस इतने लोग हैं? ये कैम स्कैनर कौन है, नाम ही नहीं इसका, फाइल का नाम लिखा सोनू सुथार, सोनू सुथार, सोनू सुथार, और ये रचित रोलानिया, ये लोग दे दिए हैं, चलिए और बाकी लोग नहीं दिए हैं। यहाँ है आशीष मीना, बलराम मीना, ये तो एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है आशीष मीना का, दोनों का, बलराम मीना, भूपेश शर्मा, दीपचंद, धैर्य मीना, जसवंत, कार्तिक, खुशीराम, ललित शर्मा, ललित शर्मा फिर से नहीं दिया है, मनराज मीना, नवीन सुवालका, राघवेंद्र पांडे, शेख सर मैंने दे दिया, विश्वजीत, यहाँ पे तो नाम बेटा मिसिंग में आ रहा है ना आपका, सर नवीन सुवालका का अभी मैंने किया था अभी सुबह मॉर्निंग में, वो कल वाला है, ये पहले का। अच्छा ये वाला बताइए जरा, अच्छा पहले वाला है, 13 लोग दिए हैं। अच्छा ये देखिए, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को आंसर, ये अंकित मेहर, कंपोजिट बार बिकॉज ऑफ, चलो ये तो मैं बाद में देखूंगा, ये देखो कोफिशिएंट, ये मैं बोल रहा था कल, चीटिंग देखिए कैसे हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बार इज एक्सपेंशन ब्रास, क्या लिखे हो, इज ग्रेटर देन स्टील, सो स्ट्रेस ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन स्टील, सेम टू सेम यहाँ पे आशीष मीना ने लिखा है, सेम टू सेम ये जसवंत यादव ने लिखा है, ये क्या मैसेज चल रहा है, क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, वो मैसेज डाल दे रहे हो इसमें, फिर ये भी सोनू सुथार, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फिर से वही लिखा है, इसको तो चलो मैंने बोल दिया था, ये इसने इसने किया था, और ये है कि नहीं कार्तिक यादव है, ये सॉरी जसवंत यादव है कि नहीं इसमें, अभी जसवंत यादव बेटा क्वेश्चन में मैंने इतना इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा था, बी ऑनेस्ट एंड गिव योर आंसर, इज दिस एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट बार और कंपाउंड बार, फॉरगेट एवरीथिंग आई हैव टॉट, सब कुछ भूल जाओ कि मैंने क्या पढ़ाया था, इसको देख के बताओ, मतलब कहने मतलब मुझे मैंने बोला था कि गूगल से सर्च करके आराम से देख के बताओ, क्योंकि कई जगह कई सारी किताबों में इसको कभी कंपोजिट बोला जा रहा है, इसको कभी कंपाउंड बोला जा रहा है, तो मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों का क्या है। Give the reason also for your answer. Do not ask to anyone. Ask छोड़ो. Message करने लगे हैं लोग. इसका क्या होगा? ये क्या होगा? बस as it is copy paste कर दिया. Coefficient. Coefficient की spelling देखिए. बेटा Google पे search करो तो spelling तो सही बताएगा ना? तो होशियारी है वो. Copy कर लो. और बाकी लोग क्यों नहीं जमा किए इसको? ग्रुप में इंडिकेट करने के बाद भी, रिमाइंड करने के बाद भी नहीं सबमिट कर रहे हो, क्यों? क्या रीजन है? हेमंत, हेमंत, हाँ क्यों नहीं जमा किए हो? क्या है सर मैंने?
एमएल आंसर इसमें लिखा हुआ है आज, इसमें लिखा हुआ है सर आंसर, थोड़ा स्क्रॉल करो सर, रात कल ही कर लिया था। और ये जो मिसिंग है ये रहा सर, देखो फर्स्ट इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एज द, तब थ्री फोटोज थी सर। बलराम, बलराम है यहाँ पे, बलराम तो है यहाँ पे, बलराम बताओ तुम्हारा एक भी चीज जमा नहीं हो रहा है बलराम। मेरे को कुछ पूछना है। बलराम मीना कहाँ गया, भाग गया तो। भाग गया क्या ये? अच्छा यहाँ से भी भाग जा रहे हैं सर। हाँ भावना बोलो, क्या पूछ रही हो, तुमने जमा नहीं किया है सर। कंपोजिट बार की सर कुछ कंडीशंस दी हुई थी, नेट पे सर्च करा तो सर आपने बताई नहीं थी कि वहाँ पे क्या क्या, मतलब उसका क्या इफेक्ट होगा। और वो तो बस आपको बताना था कि क्या है, कौन सा है और क्यों है कंपोजिट बार। सर वो जो कंपोजिट बार है ना उसके साथ मतलब जो वॉल है ना वो भी खिसक रहा है, ऐसा किसी में मतलब दिया हुआ था, और किसी में था कि उसके साथ कोई वॉल जो होगा वो नहीं खिसकेगा, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है तो तभी तो दिया। अच्छा क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, मेरे से पूछना चाहिए था ना आपको। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो ऐसे और आसान हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन तो कंफ्यूजन था, लिख देते कंफ्यूजन था। क्यों सर नेक्स्ट टाइम लिख दूंगी। बढ़िया है। अच्छा कंपोजिट है कि नहीं है ये आप लोग फिर से सोच के बताएंगे। सकते हैं क्या? क्या अच्छा जाना चाहते हो, जाओ सर आज सबमिट करा देंगे। अच्छा आज सबमिट करना चाहते हो, क्यों अभी तक क्यों नहीं किए थे? वो सर कल नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। तो बेटा अब ये एक्सक्यूज बन चुका है, ठीक है झूठा एक्सक्यूज नहीं सर, ये कल का सर लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है ये पुराना डायलॉग हो गया अब ये। नहीं नहीं सर ये देख लो लिखा हुआ पड़े कल के। और का नेटवर्क ले लो यार, घर में कोई और इंटरनेट चलाता है उसका नेटवर्क ले लो, हॉटस्पॉट पता नहीं है क्या क्या होता है। अरे सर वो सबमिट करने के लिए हॉटस्पॉट नहीं ले सकते किसी से? सर लीव कर दे क्या सर मैथ्स की क्लास? हाँ सर वो मैम का मैसेज आया। एक सेकंड मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, बस एक सेकंड रुक जाओ। जो एक क्वेश्चन दिया था ना लास्ट में आरटीयू का क्वेश्चन बोल रहा था मैं जिसको, कंपोजिट बार ये इसमें लिखा था कि ये कंपोजिट बार है, आरटीयू के एग्जाम में आया था ये, बोला था कंपोजिट बार है, तो उसी लिए मैं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप गूगल पे सर्च करोगे सिर्फ कंपोजिट बार वर्सेस कंपाउंड बार तो आपको कंफ्यूजन पता चलेगा कि कई जगह कंपोजिट बोल रहा है कई जगह कंपाउंड बोल रहा है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से आप बताओगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है? चलिए यस सर।